जिला आपदा विभाग द्वारा नागरिकों को लू से बचने के लिए महानगर में ITMS के द्वारा विभिन्न चौराहों पर लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। जिला आपदा विभाग द्वारा जनपद में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए महानगर में विभिन्न चौराहों पर लगे ITMS के द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को में स्वयं का बचाव कर सकें। लोगों को बताया जा रहा है कि घर से निकलें तो सर ढककर बाहर निकलें और बासी खाना ना खाएं। यदि आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और समय समय पर पानी पीते रहें। वहीं इस संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि लू को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है, जिससे लोग जागरूक हो सकें। ITMS के द्वारा विभिन्न चौराहों पर लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से बताया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें और यदि ज़्यादा धूप हो तो किसी छांव वाली जगह पर खड़े हो जाएं और दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर ना निकले। होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए निम्न सावधानी बरतें: कड़ी धूप में बाहर ना निकले, खासकर दोपहर 12 बजे से रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने। धूप से बचने के लिए गमछा, टोपी, छाता, धूप का चश्मा या सर का भारीपन महसूस होना, त्वचा का सूखा एवं लाल हो जाना, उल्टी होना। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए इस समय जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर और पुलिस विभाग के द्वारा एक सहयोग से आज पूरे जो ITMS जो हमारा सेंटर यहाँ बना हुआ है उसके माध्यम से लू से बचाव के संबंध में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने की प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार उसमें अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं कि लू के दौरान वो क्या करें क्या न करें, और इस तरह का व्यापक प्रचार प्रसार ITMS के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही ITMS के माध्यम से अन्य लोगों से भी सहयोग की अपील की जा रही है कि वो मतलब प्याऊ लगाएँ और पब्लिक को अवेयर करें और धूप से बचाव में पब्लिक का सहयोग करें। इस तरीके की सूचनाओं का प्रसारण ITMS के माध्यम से किया जा रहा है। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है और चूंकि हर मेन चौराहों से कनेक्टेड है तो बाहर से कोई भी व्यक्ति अगर गोरखपुर में आ रहा है या गोरखपुरवासी कहीं भी कहीं जा रहे हैं तो वो प्रायः चौराहों के पास से ही बसें या ऑटो या अपनी गाड़ियां वहां से निकलती हैं। तो इस तरीके के व्यापक प्रचार प्रसार से इसका काफ़ी लाभ है और लोगों को सही सूचनाएँ मिल जा रही हैं कि कहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं। इसलिए ये बहुत ही सार्थक प्रयास है और इसमें मैं यातायात पुलिस का धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस तरीके की ये पूरी मुहिम में हमारा पूरा सहयोग किया है।